शहर के वाठोड़ा पुलिस थाना अंतर्गत चल रही देह व्यापार पर क्राइम ब्रांच की मानव तस्करी विभाग ने छापा मारकर नाबालिग समेत 19 वर्षीय युवती को उनके चंगुल से छुड़ाया है। पिछले 2 सालों से शंकरनगर सदगुरु लॉन के पास विजय पोटे के घर में आरोपी विद्या फुलझले उम्र 42 वर्ष, अपने साथी राउत नगर निवासी सीमा सहारे उम्र 31 वर्ष और आनंद नगर हुड़को कॉलोनी निवासी सुधाकर नरुले उम्र 51 वर्ष के साथ मिलकर जिसमें फरोशी का गोरख धंधा कर रही थी और इस देह व्यापार के काम में ग्राहकों से मोटी रकम लेकर व पैसे का लालच देते हुए नाबालिग लड़कियों का भी इस्तेमाल करते थे। जब इस प्रकरण की भनक क्राइम ब्रांच के मानव तस्करी विभाग को लगी तो इस दस्ते ने फर्जी ग्राहक बनाकर आरोपी विद्या फुलझले के ठिकाने पर भेजा और नाबालिग लड़की की मांग रखी गई, जिस पर आरोपी ने बाबुल खेड़ा निवासी नाबालिग और पार्टी निवासी 19 वर्षीय लड़की को बुलवाया। जैसे ही दोनों लड़कियां मौके पर आई तो फर्जी ग्राहक बने पुलिस अफसर ने अपनी टीम को सूचित कर दिया, जिसके बाद इस विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों पीड़ित युवतियों को इन देह व्यापार करने वाले आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया और पीटा एक्ट के तहत तीनों आरोपियों पर कार्रवाई की गई। काल दिनांक 21/5/23 अनैतिक मानवी वाहतूक कक्ष येथील PI सारिन दुर्गे यांना गोपनीय माहितीद्वारा माहिती मिळाली की वाठोडा पोलिस वाठोडा अंतर्गत सद्गुरु लॉनजवळ एक महिला आहे, ती आपल्या पार्टनरसोबत ग्राहकांना बोलून त्यांना महिला पुरुष व्यवसाय करीत आहे। त्यानुसार त्यांनी बोगस पंचनामा कारवाई केली असता त्यांना सगळ्या ठिकाणी 2 महिला 1 पुरुष असे तिघही मिळून अल्पवयीन मुलींना आपल्या बोगस पंडरला मुली पुरवताना मिळून आले। त्यात त्यांनी तसं रेड कारवाई केली, पंचनामा केला। त्यात त्यांनी 2 अल्पवयीन मुली, त्यातली 1 मुलगी 15 वर्षाची आहे, 1 19 वर्षाची आहे, दोघींची सुटका केली आणि अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाचे पोलीस हेड कॉन्स्टेबल दीपक बिंदाने यांनी पोलिसांना वाठोड्याच्या दिलेल्या रिपोर्टवरून अपराध क्रमांक 281/23, मानवी कलम 370/34, सहकलम 4812 पॉक्सो ॲक्टनुसार गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। पुढील गुन्हा हा तपास कामी आम्हाला दिलेला आहे। यातील दोन्ही महिला आरोपी व पुरुष आरोपी यांना अटक करून आज रोजी माननीय विशेष न्यायालयात हजर केलेले आहे व त्यांचा दिनांक 5 तारखेपर्यंत PCR भेटलेला आहे। दोन्ही पीडित मुलींना बाल सुधारगृहात दाखल करण्यात आलेले आहे। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहीन पठान की रिपोर्ट।